दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ शहर में उपद्रवियों पर नियंत्रण करने के लिए राजगीर पुलिस एकेडमी से घुड़सवार दस्ता को बुलाया गया। घुड़सवार दस्ता बिहार शरीफ शहर के उन क्षेत्रों में जाकर गश्त करेगी जिन क्षेत्रों में उपद्रव होने की आशंका है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार शरीफ शहर का कोई मोहल्ला उपद्रव से प्रभावित है। उन मोहल्लों में कई संकीर्ण गलियां हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है। उन गलियों में घुड़सवार दस्ता लगातार गश्त करेगी। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। शहर में पुलिस फोर्स की सक्रियता को देखकर शहर के नागरिक आश्वस्त हैं कि उपद्रव पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। पूरे बिहार शरीफ शहर में घुड़सवार दस्ता से गश्ती कर आम लोगों का भय दूर किया जा रहा है, जबकि पूरे शहर में घूम घूम कर माइकिंग के माध्यम से उपद्रवियों को सतर्क किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तरह की सूचना सीधे पुलिस को साझा करें। गौरतलब हो कि रामनवमी जुलूस के दिन उपद्रवियों ने बिहार शरीफ शहर में उपद्रव मचाया था। इतना ही नहीं, उपद्रवी आगजनी और फायरिंग किए थे जिसके बाद शहर में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ था और पूरे शहर में अभी स्थिति नियंत्रित है और पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रही है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से राजगीर बिहार पुलिस एकेडमी से घुड़सवार दस्ता को बुलाया गया है ताकि शहर में उपद्रवियों पर नियंत्रण किया जा सके और लोगों से अपील की जा रही है कि आप शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। अभी भी बिहार शरीफ शहर में धारा 144 लागू है और लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी तरह की सूचना सीधे पुलिस को साझा करें। लोग शहर में तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों पर भी पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रख रही है। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए कि किस तरह से घुड़सवार दस्ता बिहार शरीफ शहर के उन क्षेत्रों में जाकर गश्त करेगी जिन क्षेत्रों में उपद्रव होने की आशंका है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।